हेलो फ्रेंड, हम लोग आज डिस्कस करते हैं करंट अफेयर 18 सितंबर की। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैव लॉन्च्ड द प्लैटिनम इनोवेशन चैलेंज। मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्लैटिनम चैलेंज इनोवेशन चैलेंज चालू किया, किसने किया। ऑप्शन है आपके, आप देख सकते हैं। इसको लॉन्च किया है माई गवर्नमेंट इंडिया। इसको बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वर्चुअल रियलिटी का, जिसके थ्रू क्या कर दिया जाए, लोकल स्टार्टअप्स और टेक फर्म को एक साथ लाकर और ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, रिसेंटली विच कंट्री हैज अप्लाइड टू ज्वाइन द एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड ग्रुपिंग। मतलब ये जो है, हाल ही में किस देश ने एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड को ज्वाइन करने के लिए इच्छा जताई है। उसमें आपका है चाइना। इसमें बेसिकली 11 कंट्री हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक साथ मिलाकर इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसमें चाइना ने भी अपनी एंट्री जताने की कोशिश की। और इसमें कौन कौन से हैं, ब्रुनोई है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, चिली है, जापान है, मलेशिया है, मैक्सिको है, पेरू है, सिंगापुर, न्यूजीलैंड एंड वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कहता है कि वेयर वॉज स्वच्छ पखवाड़ा 2021 लॉन्च। तो स्वच्छ पखवाड़ा 2021 कहाँ लॉन्च किया गया है, यह कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ने लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च किया गया 16 सितंबर 2021 को। कोचीन ट्रस्ट जो पखवाड़ा है, इसने इसको लॉन्च किया है। फिर अभी अगला क्वेश्चन चौथा आपका, रिसेंटली आरबीआई हैज गिवन इट्स नोड टू विच बैंक टू फॉर्म अ स्पेशल कमेटी ऑफ डायरेक्टर इन ऑर्डर टू ओवरसी द ऑपरेशन। मतलब बाहरी ऑपरेशन देखने के लिए हाल ही में किस बैंक के लिए कहा गया है, वो है उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इन्होंने कहा क्यों, क्योंकि ये जैसे इनके सीईओ और एमडी की अनुपस्थिति है तो कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स बनेगी जो इनके ओवरसीज ऑपरेशंस को देखेगी। फिर विच ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू डेवलप रीयूजेबल जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 लॉन्च व्हीकल। ये किसने किया है अभी हाल ही में, इसके बारे में आप देख सकते हैं। ऑप्शन है आपके SpaceX है, इसरो है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आप देखकर बता सकते हैं इसका क्या होगा। सभी लोग एक मिनट का आप लोग समय लीजिए और इसको बताइए। तो इसका आपका आंसर है, ये है इसरो। ये हाल ही में किसने किया है, ये इसरो ने किया हुआ है। फिर अगला है आपका, विद विच ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग हैज पार्टनर टू लॉन्च शून्य कंपेन फॉर जीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल। तो किसके साथ ये हुआ, ये हाल ही में। तो इसके लिए किसने किया है इसको, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। ये यूएस बेस्ड आरएमआई है, नीति आयोग विद यूएस बेस्ड आरएमआई के साथ इन्होंने ऐसा किया है। फिर है आपका, विद विच कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट हैज अनाउंस्ड अ न्यू ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर इंडिया इंडो पैसिफिक। तो ये अभी हाल ही में अनाउंस किया है ऑस्ट्रेलिया ने, और मतलब अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ, यूके। ठीक है, फिर रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड 4 एमेच्योर ऑन इट्स फर्स्ट अर्थ सर्किलिंग ट्रिप। तो ये किसने लॉन्च किया है, अगर आप इसको देखेंगे, SpaceX। ओके, ये 15 सितंबर को लॉन्च किया गया, यूएस बेस्ड है ये भी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द रिपोर्ट टाइटल रिफॉर्म इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। ये किसने फाइन किया हुआ, नीति आयोग ने इसको बताया हुआ है। ठीक है, फिर है आपका अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद असम गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लोन फॉर अपग्रेडिंग MSME। किस बैंक के साथ किया है, असम गवर्नमेंट के साथ, सिडबी, जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्मॉल MSME को डेवलप करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है।